हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं आपकी संजू यादव और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और अभी अभी बड़ी खबर आई है कि मालती दीदी का निधन हो गया। मैं तो करती हूं, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे और जहां भी हो उनकी मन की शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। और इतना झटका से सुन के इतना दिमाग जैसे ख़राब हो गया कि ऐसे वर्षा को 4 दिन 5 दिन नहीं खाई थी, यहाँ से वहाँ भटक रहे, लेकिन उसके चेहरा का मुस्कुराहट नहीं जा रहा था। उनके मतलब इतना उनकी तमन्ना थी, भरसक सारे लोग उनको बदनाम कर रहे थे, चाहे सही बात हो चाहे गलत बात हो, जब भी उनके चेहरा का मुस्कुराहट नहीं जा रहा था। तो ऐसा लग रहा है दोस्तों, उनकी मुस्कुराहट आज भी वैसी बनी है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ अपने फैमिली से, सारे लोग यही कहे कि जहाँ वो जो कि अपने तरफ से अच्छा की, लेकिन इस विष्णु भैया के राज से अपने बेटा की तरफ से अच्छा नहीं की। इतना सुंदर बेटा, अगर भगवान किसी को औलाद नहीं देता है तो लोग कहता कि हमें औलाद, बेचारा अनाथ, बिना कितना भी पिता मम्मी पापा हैं तो बच्चे की सौभाग्य बना रहता है कि चलो मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं। और इस दुनिया में जिस लड़के का मम्मी पापा नहीं, उसकी ज़िंदगी तो बेकार है। तो दोस्तों, सुन करके इतना झटका लग गया कि आज उनके परिवार के ऊपर क्या बीतता होगा, उस परिवार में क्या बीतता होता। मालती दीदी तो तुम चली गई, लेकिन ये अच्छा नहीं किया। अब जितना तुम बन बनाई थी, जितना कमाई थी, ये सब कमाई बेकार हो गया। तुम अपने बच्चे की मौत देखे होती तो मैं किस दर्द से बच्चा पैदा करी और कैसे उसको छोड़ के मैं जा रही हूँ। क्या करूँ फैमिली, ये तो अजीब हो गया कि पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। वैसे तो ज़्यादातर वो बदनाम हो चुकी थी, अब पता ना क्यों कैसे। अर्जुन भैया तो बता रहे हैं कि वो कह रही थी अर्जुन से शादी, जब तुम गई थी शादी कर ली थी, तुम इंटरव्यू के साथ क्यों नहीं कह रही थी कि मैं उन्हीं के साथ रहूँगी। यह तूने अच्छा नहीं किया। आज तुम ये नहीं सोची कि हमारे फैमिली पे क्या बीते, तुम अपने बच्चे की मुँह देखी होती। बताओ दोस्तों, अगर कोई ऐसा करे तो ऐसी दुनिया कैसे चलेगी। और जितने हमारे सिस्टर लोग यूट्यूब पे आए हैं, तो मैं तो यही सलाह दूंगी, भरसक तुम पैसा कमाओ ना कमाओ, अपनी इज्जत से खिलवाड़ मत करो, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करो, अपने बच्चे से खिलवाड़ मत करो। बच्चे बहुत कष्ट से पैदा होते हैं। मैं तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। और हमारे जितनी सिस्टर लोग हैं, जितने यूट्यूब पे हमारे फैमिली हैं, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ दोस्तों, ऐसा ना किसी के साथ हो। आज घर परिवार तो छोड़ो, उनकी ज़िंदगी तो, बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो गई। बिना कितना भी पापा कमा के खिला ले, लेकिन मम्मी के बगैर ज़िंदगी उजड़ गई है। मम्मी हर दुख सुख में काम आती हैं, लेकिन मैं तो सुनी, मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि देखो कोई की बहन बेटी हो, क्या कहे दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शीशा की जैसा उसका चेहरा चमकता था, इतना दिन से मतलब 10-15 दिन लगातार उसकी चर्चा में सारे फैमिली थे, सारे यूट्यूब वाले, सारे न्यूज़ रिपोर्टर वाले सब थे, लेकिन पब्लिक उन्हीं की सपोर्ट में थी। जब भी पता ना उनको क्या ऐसी चीज़ की लगन लग गई कि वो का से क्या हो गई। क्या कहें दोस्तों, कुछ कहने का मन भी नहीं कर रहा है। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। वही इंसान कहता है कि जिसको जितना दिन का लिख देते हैं कि किस्मत, तो एक कुछ तो भगवान लिखते हैं, कुछ तो इंसान अपने से कर लेते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग उनको
भगवान से प्रार्थना करी उनके आत्मा को शांति दे। और प्लस अब तो युवराज की ज़िंदगी तो गई, इतना अच्छा सा उसका चेहरा, इतना मासूम चेहरा। बे तूने मालती दीदी क्या कर दिया। चलो दोस्तों ठीक है, मैं वीडियो को एंड करती हूँ और आगे देखती हूँ क्या होता है, आगे आप सबसे मिलूँगी।